तो गाइज़ मैं आपको यहाँ का पूरा प्रोसेस बताता हूँ, हमें यहाँ से प्रॉफिट कितना होता है। तो मैं आपको बता दूँ, पहले पहले तो काम हम कैसे करते हैं। अब जो नए यूनिक व्यूअर्स आए हैं मेरे चैनल पे, तो मैं उनको बता दूँ हम काम कैसे करते हैं। जो नए व्यूअर्स आए हैं उनके लिए, तो जो पहले की वीडियो जो मेरे पहले के व्यूअर्स देख चुके हैं उनको तो पता ही है, पर जो नए व्यूअर्स आए उनके लिए बता दूँ मैं। तो हम गाइज़ ये जो कार्ड आपको दिखा दे, ये कड्डी रही, ये कार्डी है, जो ये गाड़ी है, इसको हम यार जो यहाँ के व्यापारी होते वो हमें यहाँ से भी छाटने के लिए बोलते, यहाँ से भी कट करने के लिए बोलते, हीरे के पास सेंडे से भी कट करने के लिए बोलते, और कभी कभी दो दो आके रखने के लिए बोलते। जैसे कि ये आके है, इसके हम आके बोलते, हम डोला बोलते इसको, पर आपके लैंग्वेज में मतलब हिंदी में आपको आके बोलता हूँ। तो इनको हम तीन डोला या ये दो डोला कितना भी ऐसे रखने के लिए बोलते। तो यहाँ के कितना है मुझे पता नहीं, अब ये मालिक बोलेंगे तब हम पता चलेगा। तो मैं ये बेसिक मार देता हूँ यार, ये गाड़ी के हिसाब से मैं इसको चार डोले पर मार देता हूँ। तो गाड़ी कुछ इस टाइप से दिखाई देंगे आपको, दिखाई दे रही होंगी आपको, तो कुछ इस टाइप से दिखाई देंगे। और इस गाड़ी को यहाँ से हमें साफ़ करने के लिए बोलते हैं, तो साफ़ कर दें। तो ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है काम का, ऐसे ही छटना है। ये पहला मतलब ये छटनी का ही बोल रहा हूँ मैं, और दूसरे काम का भी मैं वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द आपको सिखाने के लिए, मतलब आपको बताने के लिए हम कैसा काम करते हैं। तो जो गाड़ी के लिए मतलब हरा नहीं रखना है, सेंडी से मार देना है। तो कितनी भी आप यहाँ भी ऐसा हरापन यहाँ भी आ गया होगा तो यहाँ से छाट देने का है, पर कंपलसरी यहाँ पे मारना है, कट करना है हमें। तो ये हुई बात छटनी कैसे करते हैं, तो ये हो गए। तो अब आप पूछोगे कि आपको एक पेड़ के कितने पैसे मिलते हैं, यही होगा ना आपका, मतलब आपको पैसा कहाँ से मतलब कैसे मिलता है, मतलब क्या करना पड़ता है आपको। तो मैं आप काम करना पड़ता है वो तो बता दें, और पैसा कैसे मिलता है तो मैं आपको बता दूँ। चलो वहीं लेके जाते हैं, जो ये पूरा झाड़ है, ये पूरा झाड़ है, ये इस लाइन को, ये इधर एक साइड का एक बंदा रहता है, मतलब एक साइड को एक बंदा, एक साइड को एक बंदा, मतलब दो आदमी रहते हैं या दो लोग समझ लो, दो लोग रहते हैं इस साइड से इस साइड से। तो हम इस साइड से लेके जाता है, मैं ये इस साइड पकड़ लिया, ये साइड पकड़ लिया, तो ये कोपरे को लेके जाने का, ऐसे ही छाटते लेके जाने का, मतलब लास्ट को लेके जाने का छाटने का। तो ये दोनों साइड का मिला के मतलब एक झाड़ का 3 रुपये होता है, और ऐसे एक साइड का पकड़े तो ये लगभग 1.5 रुपये को मिलता है हमें, 1.50 पैसे को मिलता है हमें एक साइड का छाड़ा। तो ये 100 की लाइन हो सकती है, 80 की, 50 की लाइन हो सकती है, तो उसके हिसाब से जब हम कितनी मतलब लाइन कितनी निकालेंगे। यहाँ पे बहुत सारी लाइन है, अब हम 5-6 जोड़ी आई है यहाँ पे काम के लिए, तो वो कम काम की है और मैं ज़्यादा किया तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे बहुत सारी लाइन है, यहाँ पे लगभग 9 लाइन, तो मुझे 2 लाइन आई तो मैं उनसे ज़्यादा मतलब मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, ज़्यादा नहीं 200 200 100 200 इतना ही बढ़ूंगा। और ये टोटल मतलब ये ऐसे नहीं पकड़ते ये काम को, ये टोटल काम इनमें छटनी होता है, पेस्ट होता है, बांदी होती है और इरन्नी होता है। पेस्ट आपको पता है कलर जो लगाने का, उसको हम पेस्ट बोलते हैं। और इतने काम होते, इतने काम 20, 21 या 22, मतलब वो झाड़ को देख के पकड़ते हैं कैसा झाड़ है। और एक काम होता है, आपको एक वीडियो, आप जो पहले की व्यूअर्स देख रहे हैं मेरी वीडियो वो थिनेंगे, उसको 10 रुपये को पकड़ते हैं, क्योंकि वो थोड़ा मतलब बहुत हार्ड नहीं रहता काम, पर उसको बहुत कीमत होती है उस काम को। तो वो लास्ट का काम रहता है और उसको जो घड़ रहते हैं उसको पतला करना पड़ता है, तो वो उसको कीमत बहुत रहती है, वो 10, 12 या 20 तक भी हमें कीमत दे सकते हैं उस काम को, हमें बुलाते हमको उस काम के लिए, तो हम 10-20 रुपये करते हैं। तो मेन तो काम हमारा वही है, उसी से ज़्यादा प्रॉफिट होती है हमारी। ये सिर्फ एक बेसिक काम मतलब एक छोटा मोटा काम है, ये यहाँ ये करते हैं तभी तो वो काम हमें मिलता है। अब ये हम यहाँ पे काम किया है तो हमें थिनिंग का काम मिलता है, अंगूर की जो अपन जो कटिंग जो हेयर कट करते हैं उस कतर से हम कटते हैं वो उस काम को उस कतर से कैंची से करता ये करते हैं निकालते हैं। तो ये तो देख लिया आपने, तो मैं और क्या बोलूँ आपको। हम मतलब यहाँ आए हम,
तो हमें लगभग यहाँ पे आके अब मुझे 2 महीने हो गए, पर हम हर साल यहाँ पे आते हैं, हर साल यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे 6-7 महीने रहते हैं। 6-7 मतलब आधा साल यहीं पे चला जाता है हमारा, और आधा साल गांव में चला जाता है। पर वो गांव में भी हम गए तो काम ही करते रहते, वहाँ पे ऐसे ही काम रहता है, मतलब ये काम नहीं दूसरा और पर बाग का ही रहता है। अंगूर जब पिक मतलब पक जाए तो हम अंगूर निकालने जाते हैं, स्टोरेज रहता है, स्टोरेज में माल पैक करते हैं, ऐसे ही करते हैं, घर में नहीं बैठते गाइस।